हिंदू को मेजोरिटी है टाइटल और थंबनेल नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन दा नोंथांमोना जेरैबायदि नुदोङो टाइटल और थंबनेलावहाय बे रोखोमैनो सावरायगोन दिनैनि भिडिअखौ दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गेजेराव सानै एमपि दङ सासे क'क्राझार कन्स्टिटिउन्सिनिफ्राय आरो सासेया दरं उदालगुरि कन्स्टिटिउन्सिनिफ्राय थारै क'क्राझार बिटिआरनि सासे नाथाय दरं उदालगुरि बियाब्लाबो बेवहाय बर'फोरजोंनो हेफाजाब होजानाय हिसाबै बर'फोरनि दारैनो देरहालांनाय हिसाबै बिथाङाबो बर'नि सासे एमपि होननानै बुंनांगोन जों जाय दिलीप सइकिया बिथांखौ दा बिथांमोननि गेजेरावहाय बर' हिसाबै जायफोरा जोंनि बै ओनसोलनि दरं उदालगुरि ओनसोलनि बर'फोर बिथांमोना जोंनि बर' माहारिनि बा बर' हारिनि माखासे डेभलपमेन्ट लाबोनांगौनि थाखाय फ्राय गोबाङानो बर'फोरा हेफाजाब होदोङो दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनोसो गोबांथार माने सावराय सोलायनायखौ जों नुनो मोनो गुबुनफोरनि चेनेलावहाय जेरै एक्स एन डिबि रन्जन दैमारि बिथां सारजों लोगोसे गोबांथार जेलाव थानाय लिडार केडारफोरनि जेब्ला भिडिअ लाबोयो अब्ला जोङो कमेन्ट बक्सआव हाबनानै थाङोब्ला नुयो जे सानै जे एमपि देरहालांबाय बिथांमोना दिनैनि समाव मा बुंगोन डियार नाब्ला सारजों लोगोसे जेलाव थानाय गासै एक्स एन डिबिफोरखौ बख'नायनि थाखाय दिनै मा बाथ्रा बुंगोन पार्लियामेन्टआवहाय नैबेबायदि बाथ्राखौबो गोबां सोंथि सोंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो मानो होनोब्ला मोनसे पस्ट होदोंमोन जे नैबे आं होनाय जेनोखि मोनसे बड'लेण्ड रादाबाव होनायखौबो आगोलनि जेनोखि लक सभा इलेक्शननि सिगाङावनो मोनसे पस्ट होनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन जे इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि मोनसे सावरायनाय जागोन नैबेबायदि बाथ्रा मोनसे पस्ट होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन दा नैबे पस्टखौ नोजोर होनानै गोबाङानो सानो जे इलेक्शनाथ' जोबनानै थांबाय अब्ला बिथांमोना सानदोंमोन जेहेतु इलेक्शनाव पावाराव फैयोब्ला बा एमपि सानै दैथायहरनो हायोब्ला निश्चय बिनि सोमोन्दै एमपिफोरखौ लानानै सावरायगोन बिथांमोननि सलुसन जानायनि माखासे बाथ्राखौ नैबेबायदि थांखिखौ लानानै पस्ट होदोंमोन बा बुंदोंमोन खोमा जाय बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ पस्ट होनाय नाथाय आं नैबे बिथिङावहाय सोरबा सोरखौबा सोंखारिनाय बा दुखु होनायनि बाथ्रा नङा जाय खौरांफोरा गोसारलांबाय बा बुंजाखांबाय बेनि सोमोन्दै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदोङो जिहेतु हारिनि थाखाय नांनाय हिसाबै बिथांमोना गयोब्ला मोजां साफ्रोम माने गथारनांसिखागौबो साफ्रोम बर' सुबुंफोरनि गोसोआवहाय बा साननायावहाय बे साननाया फ्राय बयबोआनो दंखायो नाथाय बुंनोसो हाया खायसे राजखान्थियारि बिथिङै सिरिबो थानांगौ जायो नाथाय जायफोरा बाथ्रा बुंगोन बिनि सोमोन्दै दुखु मोनजानाय माखासे सोंखारि जानाय बाथ्रा जानानै फैयो नाथाय फ्राय सानैबो एमपिखौनो पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों गिबि खेबनि थाखाय नाथाय नुवाखै दासिमावहाय माने बिथांमोननि जाय एक्स एन डिबि बिथांमोननि जिबायदि थासारिखौ लानानै सावरायनायखौ नुथ'वाखै दा गोबांथार रायजो राजाफोरानो आसा दङ माने आंनिफ्राय आङो सोंखारिनो गोसो गैया माने गोबांथार रायजो राजाफोरनि जिबायदि मोनसे आसा आरो मिजिं बिथांमोननि जि जेंनानि सायाव सावरायगोन नैथि खेब सावरायगोन मोजां थिरांथा लानानै सानै एमपिखौ लानायनि गेजेरजों दा नैबे बाथ्राखौहायसो रायजो राजाफोरा माने मिजिं दिनानै बा आसा थिनानै दङ दिनैनि समाव गोबांथारनि भिडिअआव जों नुनो मोनो गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनियाव जेरै एनिथिं एमजे बेनिफ्राय अफ्रि दैमारि देरहासार इस्लारि बिथां ब्रादारमोननि जि भिडिअफोरखौ नायोब्ला समाव जोङो नुनो मोनो कमेन्ट बक्सफोराव हाबनानै नायोब्ला जे सानै एमपिखौ लानानै थारैनो बिटिआर सरकारखौ सावरायजानो लुबैनाय नैबेबायदिखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो दा रावनिबो सायाव रावनिबो हेंथा बाथ्रा बुंनो गोसो गैया खौराङाव जे गोसारदों बेखौनो फोरमायथिनानै होफैदोङो दा नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनो थांगासिनो दङ दा दरं उदालगुरिनि एमपि दिलीप सइकिया बिथां सारहाय गोबाङानो नुनो मोनखाबाय जानांगौ बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ एसे सिगांनि भिडिअ बियो अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव बिथाङा मा बुंदोंमोन मा बाथ्रा बुंदोंमोन जे पार्लियामेन्टआवहाय गिबि खेब बाथ्रा बुंथिनायावहाय नैबे भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना गासै नैबे भिडिअखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों सालिजारि खालामनानै माबायदि कमेन्ट खालामनो गोसो खालामहरनो हागोन खुलायै महामान्य राष्ट्रपति महोदय कि अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रहा है इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दरंग उदालगुरी वो दरंग उदालगुरी के सभी हमारे जो वोटर्स है
आज इस सदन के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, काल सुबह से मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर सभी आदरणीय सांसदों का वक्तव्य सुना, विशेष करके एलओपी राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुना। आज सुबह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुना, अभी वेणुगोपाल जी को सुन रहा था। ये लोग जो आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार संविधान को खतरे में डाल रहा है, देश के कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, मैं उनको यह दिलाना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मैं पहले तो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, उनसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ। 140 करोड़ भारतवासियों से तीन कारणों के लिए वो क्षमा याचना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। पहला कारण है, काल जो उन्होंने उनका उद्बोधन में जो विषय बताया है, जो प्राचीन भारत के सभ्यता संस्कृति को उन्होंने जो अपमानित किया है, हिंदुत्व हिंदू और सनातन को जिस प्रकार ने उन्होंने समालोचना की है, ये हिंदू है तो भारत में, ये भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष है, हिंदू का मेजोरिटी है तो भारतवर्ष आज इस गणतंत्र के इस बड़े सबसे बड़े जो गणतंत्र है इस विश्व में, इस गणतंत्र को जो मूलभूत विचार है उसको आगे बढ़ा करके ले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ना हिंदू है ना कुछ अलग धर्म का है, ये जनता, देश का जनता उनको सवाल करते हैं, उसका अर्जुन क्या है, वो भूल जाते हैं। ये सनातन संस्कृति, ये भारत के ये जो विरासत है, ये भारत का विरासत ही विश्व में हमारे पहचान है। दूसरा कारण से मैं राहुल गांधी जी को माफी मांगने के लिए डिमांड करता हूं, 1975 25 जून, जिस दिन राहुल गांधी जी के दादी तदानीन्तन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश भर में संविधान को कुचलने का काम किया था, गणतंत्र को खत्म करने का काम किया था, लेकिन ये लोग हिस्ट्री अध्ययन नहीं करते हैं, करते हैं तो भी उस छुपाने का कोशिश करते हैं, लेकिन देश के जनता वो भूले नहीं है। 1975 25 जून का दिन नहीं भूला है, इसके कारण राहुल गांधी और कांग्रेस देश से माफी मांगना चाहिए। 1975 ने हमने जो किया था वो गलत किया था, संविधान को खत्म करने वाला काम किया था। आज हमको हंसी आता है, देख